की कहानी है। मम्मी जी ये पैसे भाभी ने अपने हुनर से कमाए हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे अरुष दया वीडियो। अलका सासू माँ को शाम की साई दे रही थी कि तभी सुरभि ऑफिस से आ गई। उसे देखती सासू माँ अलका से बोली, लो तुम्हारी देवरानी भी आ गई, इसे भी साई दे दो। अरे माँ, मैं सब ये ले लूंगी, आप भाभी को क्यों परेशान करती है, सुरभि बैग रखते हुए बोली। अरे तुम ऑफिस से थककर आ रही हो, इस में परेशान होने वाली क्या बात है, वो दिन भर गर्मी रहती है, करती भी क्या है, सासू माँ ने कहा। तब तक अलका साई लेकर आ गई थी। साई का प्याला पकड़ते हुए अलका की आंखों के आंसू सुरभि से छिपे ना रह सके, उसी सभी पर गलानी हो आई। और भाभी, आपकी साई कहाँ रह गई, सुरभि ने माहौल को हल्का करने की गरज से कहा। मैं किचन में पी लूंगी, गैस पर सब्जी सजा रखी है, अलका ने जवाब दिया और किचन में चली गई। सुरभि भी पीछे पीछे किचन में आ गई, अलका से बोली, सॉरी भाभी, मेरी वजह से मम्मी जी ने आपको इतना कुछ सुना दिया। अरे तू क्यों सॉरी बोल रही है, तेरी क्या गलती है इसमें, गलती तो मेरी किस्मत की और मेरे माँ बाप की। सुरभि भरे मन से कमरे में चली गई। ये रोज कई किस्सा है कि सासू माँ अलका को ताने सुनाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती है। सुरभि ने कपड़े चेंज किए, हाथ मुंह धोया और 2 कप बढ़िया अदरक वाली चाय बनाकर ले आई। अलका तब तक आता गूंथ कर गोलू को पढ़ाने बैठ गई थी। सासू माँ टीवी पर अपना भक्ति चैनल देखने में मगन हो गई। चाय लेकर सुरभि अलका के पास आ बैठी। भाभी लीजिए, गरम गरम चाय पीजिए। अरे मुझे बोला होता मैं बना देती ना, अलका बोली। भाभी आप अपने आपको यूं फार घरा टेंट लेना बंद कर दीजिए, वरना आपको सभी लोग अपने हिसाब से नसाते रहेंगे, सुरभि बोली। साई पीते हुए सुरभि अलका के मन को अपनी प्यारी बातों से सहलाती रही। अलका इस घर की बड़ी बहू है, दीना नाजी उसके ससुरे विशाल पति एवं देवर गुणाल है। परिवार में विशाल ससुर जी के साथ हार्डवेयर का बिजनेस संभालते गुणाल CA और उसका अपनी सहयोगी सुरभि से प्रेम विवाह हुआ। दोनों ने मिलकर ऑफिस खोल लिया है। सुरभि सुबह 11 बजे ऑफिस जाती और शाम को कुणाल से पहले घर आ जाती, ताकि घर पर भी वह कुछ समय दे सके। सासू माँ सुरभि के सीए होने और ऑफिस जाने की वजह से उसे ज्यादा योग्य समझती और अलका को कुछ ना करने का ताना दिया करती, जबकि पूरा घर अलका ने ही संभाल रखा है। अलका का बेटा 8वीं कक्षा में आ गया। अलका को उसे गणित और अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत होने लगी। उसने विशाल से गोलू के लिए ट्यूटर लगाने को कहा। सासू माँ ने सुना तो पूरा घर सर पर उठा लिया। अरे अभी से ट्यूटर क्यों लगाया जाए, इसलिए कहते हैं कि माँ का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी होता है। तभी कुणाल आ गया, उसने माँ को समझाते हुए कहा, माँ भाभी हिंदी साहित्य से MA है और ये कोई कम शिक्षित नहीं है, वो तो बस गणित तो उनका विषय नहीं रहा, इसलिए दिक्कत हो रही है और अब तो बच्चों की पढ़ाई भी बहुत कठिन हो गई है। तुम दोनों भाई भी तो गणित पढ़े हो ना, तुम दोनों के लिए हमने कौन सा मास्टर लगा दिया था, तो पढ़ते थे ना माँ, हम लोग का समय और था, लेकिन सासू माँ को न समझता था ना ही वो समझी, और ऊपर से अलका को 2-4 बातें सुना दी जो अलग बेसारी अलका रो कर रो जाती। पति से शिकायतें करना उसकी आदत नहीं थी, इसीलिए विशाल को कुछ पता भी नहीं चल पाता था। सासू माँ को अलका की हर बात कटनी होती थी। सुरभि इन सब बातों से अलका के लिए बहुत दुखी होती। एक दिन ऐसी बातों बातों में सुरभि ने अलका से पूछा, भाभी आपकी कुछ हॉबी भी तो रही होगी।
आंसुर भी पुरानी राखियां और टूटी माला आदि इकट्ठा किया करती थी और उनके बीड्स निकाल कर उनसे ज्वेलरी, कैंडल, सैंडल आदि बनाया करती थी। सबको खूब पसंद आती थी। मोहल्ले की तो सासिया ताई या अपनी पुरानी माला दे देकर खूब बनवाती रोती थी। अलका की आंखों में समक आएगी ये सब बताते बताते। तो वही काम आप फिर से क्यों नहीं करते? सुरभि बोल पड़ी। अरे अब समझ कहाँ है मेरे पास भाभी, समझ तो निकालने से निकलेगा ना। पापा जी और भाई साहब तो सुबह ही चले जाते, खाना उस समय बन चुका होता है, बाकी का काम रूपा आकर करती है। अरे सुरभि, मम्मी जी को दिन भर कुछ ना कुछ देना होता है, लेकिन सुरभि भी अपनी धुन की पक्की थी। उसने मन ही मन सोच लिया था कि वो अलका को भी सामान दिला कर ही रहेगी। उसने कुणाल से गोलू को मैथ तो और अंग्रेजी पढ़ाने को कहा, जिसके लिए कुणाल राजी हो गया। दूसरे दिन ऑफिस से लौटते समय सुरभि रंग बिरंगे बीड्स, धागे, पाम पाम आदि लेकर आई और अलका को सुबके से पकड़ा थी। बोली, भाभी ये लीजिए और अपना छुपा हुआ हुनर बाहर लाइए। आप इनसे जो कुछ भी बना सकती है बनाए, और किसी भी सामान की आवश्यकता हो तो निस्कोक बताइएगा। अलका ने सुरभि को गले लगा लिया। बोली, मैं हमेशा एक छोटी बहन के लिए तरसती थी और तुम मिल गई मुझे। अलका ने अपने कमरे में बैठकर कुछ की रिंग्स, मालाएं, दिया स्टैंड आदि बनाए। सुरभि ने उसे अपने क्लाइंट और सहेलियों को दिखाया, वो सबको बहुत ही पसंद आया और हाथों हाथ बिक गए। शाम को सुरभि ऑफिस से लौटी तो अलका शाही बना रही थी। सुरभि सासू माँ के पास ही बैठ गई और अलका को आवाज लगाई, भाभी जरा यहाँ आइए और उस शाही बनाने दे जो उसका काम है, मुझे बता क्या बात है। सासू माँ बोली। तब तक अलका आगे किया हुआ सुरभि ने उसे वहीं पास में बिठा लिया और परे समय से 3,500 रुपये निकाल कर देते हुए बोली, ये लो भाभी आपकी पहली छोटी सी ही सही, आपकी आत्मनिर्भरता की पहली के किस्सा। सासू माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था, बोली क्या है ये सब? सुरभि सुरभि बोली, मम्मी जी ये पैसे भाभी ने अपने हुनर से कमाए हैं, अब तो इनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, और पूरी बात बता दी। अलका बोली, लेकिन सुरभि सारा सामान तो तुम ही लाई थी ना, तो इसको तुम ही रखो, भाभी मैं अपना पैसा पहली निकल सूखी। ये तो मुदापे के पैसे जिन पर आपका ही हक है, मैं तो ठेरी सी अपना नुकसान क्यों उठाऊंगी। सुरभि ने सुटकी ली। अलका ने वे पैसे सासू माँ को दिए तो सासू माँ बोली, इसे भगवान के मंदिर में रख दो, वही तुमको तरक्की देंगे। अलका बदन वार, ज्वेलरी, राखियाँ, मेंटस, डेकोरेशन के आइटम और भी बहुत कुछ बनाने लगी। सुरभि और कुरान ने उसके सामान की प्रदर्शनी भी लगवाई। काम में सफाई होने से और चीजें सुंदर होने की वजह से उनकी दिमाग दिन भर दिन बढ़ाने लगी। अब अलका ने अपने साथ का वालियों की बेटियों को लगा लिया, उनको वह मुफ्त में ट्रेनिंग देती और फिर सामान की बिक्री होने पर उनका मेहनताना उनको देती। इस तरह से अपने साथ साथ उस समय जाने कितनी महिलाओं को आत्मनिर्भर बना दिया। आज उसकी छोटी सी दुकान का उद्घाटन है। सासू माँ ने फीता काटा, अलका और सुरभि उनको अंदर ले गए। सासू माँ अलका का हाथ पकड़कर बोली, बहू मुझे माफ कर दो, तुम तो हीरा थी और मैं का समझ कर तुम्हें अब सेकती करती रही। अलका बोली, मम्मी जी उसे तो मुझे आगे बढ़ने का रास्ता मिला। अरे अरे भाभी, हीरा तो मैं भी तो मोती हूँ, थोड़ा आशीर्वाद मुझे भी। सुरभि हंसते हुए बोली। सासू माँ बोली, हाँ मेरी बहू है हीरा मोती, और दोनों को गले से लगा।